स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्वच्छता का ख्याल रखा जा रहा है, जिसके लिए सरकार भी हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से शौचालय बनाने के लिए राशि भी दी जा रही है। आपको बता दें कि एक ग्रामीण इलाका है जहां पर शौचालय तो है पर वहां पर ताला लगा रहता है, जिससे वहां के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर लड़कियां और महिलाओं को। आइए मैं आपको बताती हूँ क्या है पूरा मामला। मैं हूँ सपना और आप देख रहे हैं। ये मामला गुलगंज हाट बाजार का है, जहां सार्वजनिक शौचालय तो बना है पर वहां ताला लगा हुआ है, जिस कारण ग्राहकों व दुकानदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक समस्या बाजार में खरीदारी करने के लिए आने वाली महिलाओं को होती है। वहां के दुकानदारों को हाट बाजार से लगे पहाड़ पर लघुशंका के लिए जान जोखिम में डालकर जाना पड़ता है। घर दूर होने के कारण आने जाने में काफी समय भी बर्बाद होता है, जिस कारण घर नहीं जा सकते। वहीं ग्राहकों की भी मुश्किलों बढ़ी हुई है। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप सेन के साथ वहां का। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप सेन। इस वक्त हम लोग छतरपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ग्राम गुलगंज में मौजूद है। यदि बात की जाए गुलगंज की, तो गुलगंज में इस वक्त हम लोग हाट बाजार में मौजूद है। हाट बाजार की स्थिति ये है कि यहाँ के लोगों को शौचालय की काफी समस्या झेलनी पड़ती है, जिस कारण लोगों को पीछे पहाड़ तक जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सार्वजनिक शौचालय प्रशासन द्वारा बनवा तो दिया गया है, लेकिन इस पर ताला डला हुआ है। इसको लेकर प्रशासन तमाम तरह की बातें करता है, तमाम घोषणा करता है, लेकिन इस मूलभूत समस्याओं को ग्रामीण स्तर के लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम इसको लेकर तमाम लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार की लोगों को समस्या होती है। क्या नाम है भैया आपका? शंकर कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलगंज जी। यहाँ पे हाट बाजार में सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है, इसका लाभ मिलता है आप लोगों को? नहीं सर, यहाँ इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे पहाड़ पे जाना पड़ता है। और जो महिलाएं, बच्चे, छोटे बुजुर्ग यहाँ पर आते हैं मार्केट में, उन लोगों को भी शौचालय के लिए पार पड़ी जाना पड़ता होगा? हाँ, सबको जाना पड़ता है। आप लोगों ने इसकी मांग नहीं की? मांग किससे करें, यहाँ पे कोई आता होगा तभी उससे मांग करते हैं। क्या नाम है आपका? हीरालाल कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं? टिकौली जी। यहाँ पे हाट बाजार में क्या सुविधाएं दी जाती हैं आपको? कोई सुविधा मिलती है? नहीं है ऐसी, तो मार्केट से ही बनी है जी। पैसा है 200 रुपए वेट की के लिए जाते हैं। हाँ, तो साथ के लिए मेहनताना में जाना पड़ता, कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं। तो ये सार्वजनिक शौचालय शासन के द्वारा बनाया गया है, इसका लाभ नहीं मिल रहा आप लोगों को? हाँ, तो बंद पड़ा रहता है। इसको लेकर आप लोगों ने मांग नहीं की? मांग की तो कहते हैं कि भाई हम क्या करें। किससे की थी? मंडी वालों से की थी, जो मंडी अध्यक्ष है। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? हो जाएगी। क्या नाम है आपका? राम कली। कहाँ की रहने वाली है? गुलगंज की। तो हाट बाजार में आप लोग कहाँ आते हैं? आप लोगों को पानी पीने की काफी दिक्कत रहती है, कहाँ से जाते हैं पानी पीने के लिए? बिजली की व्यवस्था भी नहीं है? और जैसे कि शौचालय या बाथरूम के लिए जाना पड़ता है, आप लोग कहाँ पे जाती हो? आप लोगों ने इसकी मांग नहीं की? क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद हनीफ। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजावर कुलगंज तिगट्टा। यहाँ किस लिए आए थे आप? ये हाट बाजार करने के लिए आते हैं। हाट बाजार करने के लिए आते हैं। क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं आपको यहाँ पर? व्यवस्था कुछ नहीं है, ना बैठने की सुविधा व्यवस्था है, बरसात में यहाँ ना फर्शीकरण है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। लाइट लगी तो एक ठैया लगी है, और एक ठैया जल गई तो ठीक है, वरना जली तो ठीक है। कोई व्यवस्था है ही नहीं है बाजार में। यहाँ फर्शीकरण हो जाता बाजार में, बैठकी लेने तो आते हैं। बैठकी का कितना रुपया लिया जाता है? बैठकी का 10 रुपए ली जाती है, 20 रुपए ली जाती है। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, इस बार किस तरह की प्रत्याशी की मांग करते हैं आप? अच्छे प्रत्याशी की मांग चाहिए, जो काम कराए। इस बार बीडी शर्मा अपने यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बनाया करवाए, काम करवाए तो वो भी रहेंगे, सबका शामिल में होंगे। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे दाता आप? यही प्रशासन से यही है कि बाजार बैठ की तो उठती है, यहाँ बैठती है, बैठने की व्यवस्था तो बनाई जाए।
बैठने की व्यवस्था तो बनाई है। और शौचालय की पानी बिजली की क्या व्यवस्था की गई यहाँ पर? शौचालय बना है तो वहाँ पे ताला डला है। इसको लेकर आपने सरपंच सचिव से नहीं कहा? कहा, कहते हैं तो कोई सुनता नहीं। आपको बता दें कि गुलगंज के मुख्य मार्केट हाट बाजार जगह ऐसी है जहां बुधवार को बड़ी संख्या में लोग ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी के लिए आते हैं, जिस कारण वहां काफी भीड़ भी होती है। वहीं इस पर महिलाओं का कहना है कि इतने बड़े मार्केट क्षेत्र में एक ही शौचालय बना है जिस पर ताला लगा हुआ है। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।